है कोई, वो बाद में YouTube पे रिकॉर्डिंग देख सकता है बाई चांस, अगर देखना चाहते हो। सो हम क्या कर रहे थे, हम परसेंटेज कर रहे थे। हाँ, परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने देखा बेसिकली, अभी परसेंटेज क्या होता है, एक स्पेशल फ्रैक्शन है, 1/100 को हम मान लो परसेंटेज परसेंटेज कहते हैं। अभी के लिए इतना ही हम मान लेंगे, क्योंकि हम मैं चाहता हूं कि पहले हम एज एन इंट्रोडक्शन हम परसेंटेज के बाद एक्सपोनेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ें और फिर हम एलजेब्रा शुरू करें। ठीक है, एलजेब्रा के बाद हम वापस इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं परसेंट, क्योंकि ये परसेंटेज और एक्सपोनेंट्स या हम और इवन रेशियो प्रोपोर्शन, ये हम सारे एलजेब्रा में यूज करेंगे। ओके, तो अभी परसेंटेज जितना भी हमने पढ़ा उसको वहां रोक देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एलजेब्रा पढ़ेंगे, देन वी विल कम बैक। उसके बाद हम फिर से इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सपोनेंट्स की भी एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ में एलजेब्रा की भी करेंगे, क्योंकि उनका आपस में लिंक है। तो चलो आज थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स किसको मालूम है क्या होता है? एक्सपोनेंट्स मालूम है क्या होता है? सो हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट भी एक मैथ ऑपरेशन है। क्या है? मैथ ऑपरेशन। मैथ ऑपरेशन। हाँ, मैथ ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं ना, कौन कौन से ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? यस सर, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर देखा जाए तो बेसिक तो दो ही ऑपरेशन है, आप ऐड करते हो, जोड़ते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। उसके बाद अगर आप बार बार ऐड करोगे, रिपीटेड रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन करोगे बार बार, उसी को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करोगे उसी को हम डिवीजन भी कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सर फ्रॉम दिस मेन टू मैक्स ऑपरेशन द अदर टू फॉर्म। या तो दीज आर टू मेन ऑपरेशंस एंड दीज आर टू डिराइव्ड ऑपरेशंस। ये इसमें से एडिशन से बार बार तो हमें मल्टीप्लीकेशन मिलता है, और सब्ट्रैक्शन से बार बार सब्ट्रैक्ट करें तो डिवीजन मिलता है। तो जैसे हमारे को एडिशन से बार बार एडिशन से मल्टीप्लीकेशन मिलता है, ऐसे ही अगर हम बार बार मल्टीप्लीकेशन करें, सो नेक्स्ट बोर्ड पे मैं लिखता हूं रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। ओके, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। सर गुड इवनिंग। यानी कि क्या इसका मीनिंग हुआ कि अगर मान लो मैं कहता हूं एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2, जब मैं 2 को बार बार ऐड करता हूं, 2 + 2 + 2, सो मैं आई एम रिपीटिंग एडिशन 3 times, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं? मैं लिखता हूं 2 multiplied by 3। बट इफ आई डू रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल 2 multiplied by 2 multiplied by 2, तो दिस इज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन।
और इसमें रिपीट क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अपने आप से मल्टीप्लाई होता है बाय इटसेल्फ। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहां बार बार एडिशन किया तो हमने ये वाला सिंबल यूज किया मल्टीप्लिकेशन का, और जब बार बार मल्टीप्लाई किया तो हमने एक्सपोनेंट यूज करना है। एक्सपोनेंट को कैसे लिखते हैं, तो जिस नंबर को हम जिस नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इस नंबर को मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1, 2, 3 times, तो इस 3 को मैं कैसे लिखूंगा, इस 3 को मैं इसका पावर बनाऊंगा, तो एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। और पावर कैसे लिखते हैं, ऊपर सर स्मॉल थ्री एंड स्लाइटली ऑन द राइट साइड, बिल्कुल ऊपर नहीं लिखना है, ऐसे टू ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा राइट, एंड स्लाइटली द साइज शुड बी स्मॉलर, उसका साइज भी छोटा होना चाहिए। सो ये जो नंबर है 3, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको हम पावर भी बोलते हैं, और इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जैसे इस एग्जांपल में 2 है, इस 2 को हम क्या बोलेंगे सर, इट इज कॉल्ड बेस। सो दिस नंबर नंबर 2, इसको हम बेस बोलेंगे, और जितनी बारी हमने उसको बार बार मल्टीप्लाई करना है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, या पावर बोलेंगे, या इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। सो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई से 4 power 3 इज इक्वल टू कितना होगा, पावर 4 power 3 4 4 16 16 into 4 is 64, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर अब ये जब आपको समझ में आ गया, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं अब लिखता हूं फॉर एग्जांपल 2 power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 power 2, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 की पावर 5, 2 power 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 3 बारी, फिर ये वाला आंसर इज 32, फिर ये मल्टीप्लीकेशन वापस मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर नेक्स्ट इज 2 power 2, दैट मींस आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 2। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये अब मैंने जो मेरा आंसर है उसमें 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 times। हाँ, सो ये अगर 5 times हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 power 5। सो इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा, इससे मेरे को पता चलता है कि जब मेरा बेस सेम है, नाउ दिस इज सेम बेस, 2 यहां पे भी बेस है और यहां पे भी बेस है, अब जब बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, 2 plus 3 is 5, I can कैसे लिख सकता हूँ, ये राकेश सिंह को ने माइक बंद करो, पीछे से शोर आ रहा है। सो अभी इससे मेरे को पता चलता है कि जब बेस सेम है, बेस सेम
अगर बेस सेम होगा, बेस इज सेम, तो पावर्स को क्या होगा? एड, पावर्स आर एडेड. तो मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल इस टू के बदले मैं कोई भी लेटर लिख लू. मान लो मैं लिख सकता हूं एक्स, एक्स रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर फोर किसके बराबर होगा? एक्स पावर सेवन. एक्स पावर सेवन. या अगर मैं थ्री और फोर के बदले फिर से नंबर के बदले मैं कुछ और लेटर लिख लू, एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, और बीच में ऑपरेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन. तो ये क्या बन जाएगा? एक्स, एक्स का क्या पावर बन जाएगा? ए प्लस ए प्लस बी. तो ये हमारे को एक एक चीज याद रखना है, एक रूल. एक्सपोनेंट के कई सारे रूल होंगे. तो हम यहाँ पे एक नेक्स्ट बोर्ड पे, यहाँ पे हम सारे रूल्स एक साथ एक ही जगह लिखेंगे. तो यहाँ मैं ऊपर लिख सकता हूँ रूल्स, आप भी लिखो कॉपी में रूल्स, या रूल्स भी कह सकते हैं, या हम लॉज भी कह सकते हैं. जैसे कानून होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो पहला रूल क्या हमने देखा कि जब बेस सेम होता है एक्स पावर ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर बी वो किसके बराबर बनता है? एक्स पावर ए प्लस बी. तो ए प्लस बी को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं. ठीक है, ये फर्स्ट रूल है. फिर हम और रूल जैसे पढ़ेंगे यहां पे हम लिख सकते हैं. दूसरा हुआ कि अगर मैं, मान लो मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं टू मल्टीप्लाइड बाय सॉरी टू पावर टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री पावर टू. अब देखो, अब जो बेस है, अब इसमें ध्यान देना, इसमें बेस सेम नहीं है. इसका बेस टू है और इसका बेस थ्री है. अब बेस चेंज हो गया सर, बट एक्सपोनेंट्स आर सेम. हाँ, एक्सपोनेंट आर सेम, इसका पावर और इसका पावर सेम है. सो इसको भी अगर हम खोल के लिखें, टू का पावर टू कितना होगा? टू इंटू टू, और थ्री का पावर टू हो गया थ्री इंटू थ्री. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं थ्री इस टू और थ्री को मल्टीप्लाई करता हूं तो हो गया टू इंटू थ्री. फिर इन दो को मैं, इन दो को ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय इन दो को फिर से ब्रैकेट में लिख दिया. तो टू इंटू थ्री कितना होता है? सिक्स. टू इंटू थ्री हो गया सिक्स. अब देखो यहाँ आ गया सिक्स इंटू सिक्स, इसका मतलब है सिक्स का पावर टू. यस सर. सो अगर मैं इसको जहां से हमने शुरू किया था और जो हमें रिजल्ट मिला, इसको अगर मैं ध्यान से कंपेयर करूंगा तो मेरे को पता चल रहा है कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो मैं बेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और सेम पावर लिख दूंगा. तो मैं इसको लिखूंगा टू इंटू थ्री, और फिर पावर दोनों का ब्रैकेट के ऊपर एक ही पावर लिख दूंगा. तो ये बन जाएगा. सो इससे मेरे को दूसरा रूल मिल गया. दूसरा रूल क्या है? एक्स पावर ए मल्टीप्लाइड बाय, अब बेस चेंज हो रहा है इसलिए मैं लिखूंगा वाई पावर ए. अब पावर सेम है तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? एक्स वाई ब्रैकेट टू ए.
यानी कि जो यस जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई और इस पूरे का ओवर सेम, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा था, जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ये जो मल्टीप्लाई होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही ये जो पावर है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि x को भी ये पावर मिल गया और y को भी ये पावर मिल गया, तो हमारे को ये वापस ये मिल गया, ठीक है। हर्षल माइक बंद रखो, आपका स्पीकर ऑन है। सो दो रूल्स हमने सीख लिए, एक पहला रूल है जहां पे बेस इज सेम पावर्स आर डिफरेंट, और सेकेंड रूल में बेस आर डिफरेंट एंड पावर इज सेम। ओके, इसी तरीके से हम और रूल्स भी सीख सकते हैं। ये तो ये ध्यान रखना बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई। हाँ, और अगर हम देखते हैं थर्ड रूल, जब हमारा बेस एक्स पावर ए अब डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स पावर बी, अब फर्स्ट को देखो इसमें भी ये बेस सेम है पावर अलग अलग है, इसमें भी बेस सेम है पावर अलग अलग है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें डिवीजन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन के वक्त जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो गए, जब डिवीजन होगा तो ये आपस में माइनस हो जाए, तो इनको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स पावर ए माइनस बी। ठीक है, फिर एक और रूल है, पावर जैसे ये है एक्स, अब इसको जैसे इसको हमने चेंज किया, अगर हमने पहले वाले को यहां डिवाइड किया तो चलो दूसरे वाले को भी डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ सर, एक्स एक्स की पावर 0 हो तो फिर क्या होगा। हाँ वो तो वो एक और रूल है, वो अभी बताता हूँ, पहले ये देखते हैं, अगर हम इसको देखें सेकंड को, अब इसको डिवीजन करते हैं, यानी कि एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय वाई पावर ए, तो जैसे यहां पे हमने इन दो बेस को आपस में जो ऑपरेशन था वो कर लिया, हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई बन गया और पावर सेम रखा, ऐसे इसको भी हम कर सकते हैं, जो बेस का ऑपरेशन हो रहा है वो तो डिवीजन का हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स डिवाइडेड बाय वाई, फिर दोनों का पावर सेम रख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय वाई पावर ए, ठीक है, विल बी इक्वल टू बेस वो आपस में ऑपरेशन कर लिया और पावर जो क्योंकि पावर कॉमन है सेम है तो दोनों को एक ही पावर दे दिया। फिर ये वाला एक फिफ्थ रूल है जो अभी रासिक ने बताया कि अगर एक्स का पावर 0 हो, एक्स का पावर 0 वो बाद में हम अभी तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा सॉर्ट ऑफ फास्ट आगे चल रहे हैं, तो इसको याद रखना है दिस इज इक्वल टू 1,
ये कैसे होता है इसका मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको किसी नेक्स्ट क्लास में, आप मुझे याद करवाना। अभी के लिए हम याद रखते हैं कि अगर कोई भी बेस हो, एक्स का मतलब क्या है, अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक एलजेब्रा पढ़ेंगे, ये एक्स और वाई से कई कंफ्यूज होते हैं, ये क्या मतलब है, अभी तो हम सिर्फ नंबर्स कर रहे थे, अब ये एक्स वाई कहां से आ गया, तो इन एक्स वाई को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल यानी क्या, इनका इनका वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है, चेंज का अनदर इंग्लिश वर्ड इज वेरी, विच कैन बी चेंज्ड, विच कैन चेंज विच कैन वेरी, क्योंकि जैसे ये 1 2 3 4 है, इनका वैल्यू तो सेम रहता है, ये तो नंबर्स हैं, डिजिट्स, डिजिट्स को या नंबर को जब दो डिजिट्स को हम जोड़ते हैं तो वो एक नंबर मिल जाता है, इनका वैल्यू सेम रहता है, कांस्टेंट, सेम रहने का हम बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन ये जो एक्स वाई है या ए है, इनका चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 4 + x = 10, तो यहां पे x की क्या वैल्यू होगी, 6, अभी तो ये बराबर होगा, 4 + 6 = 10, दैट मींस जब तक मैंने 6 नहीं लिखा, मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, लेटर लिख दिया नंबर के बदले, तो यही हम एलजेब्रा में सीखेंगे, जब हम लेटर्स को भी नंबर्स मानते हैं, जैसे यहां x एक नंबर है, तो इसका यहां पे इस वाली रिलेशनशिप में या इस वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 6 है। हाँ बताओ राशि, पूछना है कुछ? लेकिन अगर अब मैं इसको मान लो चेंज करता हूं, यहां पे 4 के बदले मैं 5 लिखता हूं, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, फिर एक्स तो 5 बन जाएगा, दैट मींस जो ये नंबर है इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, इट कैन चेंज और इट कैन वेरी, दैट इज व्हाई दिस दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स, और इनका फायदा क्या, इससे हम आगे कई वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वो हम एलजेब्रा में सीखेंगे। So, अभी के लिए फिफ्थ रूल क्या है कि एनी नंबर, एक्स इज एनी नंबर, अगर उसका पावर 0 होगा वो 1 उसकी जाएगी, तो अगर मैं आप कहूंगा 4 / 2 किसके बराबर होता है, 16 सर, 16, 4 / 1 4 / 0 1 क्यों, क्योंकि ये फिफ्थ रूल है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है सर, नेगेटिव हो तो फिर अभी वो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल अगर पावर, अगर अब ये पावर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो सारे पावर पॉजिटिव इंटीजर्स थे, दे आर ऑल पॉजिटिव, क्योंकि इनके आगे कोई साइन नहीं है, मैंने नेगेटिव भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं इनको अब नंबर्स को अब नेगेटिव अगर करें हम, जैसे मैं लिख सकता हूं, जब मैं लिखता हूं एक एक नंबर लिखता हूं एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, हमने रेसिप्रोकल पढ़ा था ना, उल्टा, माइनस, नहीं माइनस कैसे हुआ, एक्स का रेसिप्रोकल, एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स का मीनिंग है एक्स, एक्स अपॉन 1, अब इसको उल्टा करना है, इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स, हाँ ये याद रखना है, रेसिप्रोकल इनवर्स, इसको इनवर्स भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं। सो अगर मैं लिखूंगा, मान लो मैं लिखता हूं एक्स, एक्स
सिर्फ x लिखूंगा उसका बाई डिफॉल्ट उसका मीनिंग है कि x का पावर कितना है सर? वन. और अगर इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, अगर मैंने बेस को उल्टा कर दिया, मैंने इसको वन अपॉन एक्स कर दिया, लेकिन ये आपस में बराबर तो नहीं है ना? बराबर नहीं है. दे आर नॉट इक्वल. फाइव कैनॉट बी, फाइव कैनॉट बी इक्वल टू वन अपॉन फाइव. तो मैंने तो बेस को अगर उल्टा कर दिया तो मुझे इस पावर को भी, पावर कहाँ चला गया? अब ये इस डिनोमिनेटर वाले को चला गया. सर द फ्रैक्शन शुड बी लाइक दैट, देन वी कैन डू द रेसिप्रोकल. लेकिन अभी हम इसको, अभी तो ये इक्वल नहीं है. नाउ दिस, अभी अगर मैंने इतना ही छोड़ दिया, दिस इज नॉट ट्रू, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. Because so x x cannot, x raised to power 1 cannot be equal to 1 upon x. लेकिन अगर मैं इसको अब ऐसे लिखता हूं, अब मैं x की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं 1 upon x की बात. 1 upon x को मैं कैसे लिख सकता हूं? वन अपॉन एक्स का पावर वन. अभी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि अभी एक्स को मैंने डिनोमिनेटर में ही लिखा और डिनोमिनेटर में इसका पावर वन है. अब ध्यान से सुनना, अगर ये पावर, अगर इस एक्स जो डिनोमिनेटर में है इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूं तो इसका जो पावर है वो उसका साइन चेंज होएगा. तो ये दिस बिकम्स एक्स पावर नेगेटिव वन. सो आई कैन राइट वन अपॉन एक्स एज एक्स रेज टू पावर नेगेटिव वन. तो इसको हम एक और मान लो, रूल तो नहीं कह सकते हैं, बट चलो याद रखने के लिए हम इसको सिक्स नंबर रख लेंगे. वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे पावर, यहां पे वन डिनोमिनेटर में जो है वो पॉजिटिव है. जब मैं कहता हूं सिर्फ एक्स लिखता हूं, उसका पावर क्या है? पॉजिटिव वन. लेकिन जब मैंने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल, तो पावर का साइन भी चेंज होगा. सो व्हेन बेस इज रिवर्स्ड, when base is inversed, उसका उल्टा कर देंगे. So जो मेरा एक्सपोनेंट है या पावर है, एक्सपोनेंट का जो साइन है, एक्सपोनेंट साइन also changes. याद रहेगा? Yes, sir. अगर आप, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो यहां भी वही हो रहा है. यहां पे क्या है? x पावर a डिवाइडेड बाई x, ये डिवीजन है, x पावर b. सो x पावर a डिवाइड हो रहा है x पावर b से. तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? x पावर a. अगर आप ये वाला जो है x पावर b, इसको मैं अगर न्यूमरेटर पे लाऊं तो मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई x, अब पावर b के बदले नेगेटिव b हो जाएगा. अब इसको ध्यान से देखो, अब ये मैं फर्स्ट वाला रूल लगा सकता हूं कि जब बेस सेम है पावर्स को ऐड कर सकता हूं. सो a और दूसरा इंटीजर है नेगेटिव बी, इन दोनों तो ले सकते थे ना, एक्स एक्स तो कॉमन है, तो एक्स ए माइनस बी हो जाता. हाँ, तो वही हो गया ना, ए माइनस बी. तो ए और बी, ए और नेगेटिव बी को मैं प्लस कर रहा हूं तो वो बन जाता है ए माइनस बी. इसीलिए मैं यहाँ पे तो ये
ये रूल और ये रूल जो इसी में से डिराइव होगी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं एक्चुअल नंबर से। क्या टाइम अभी 10 मिनट बचे। अब ये वाला फिर से देखते हैं। जैसे x पावर a को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर b को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2। अब देखो उसका क्या मीनिंग है। न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर डिवाइडिंग लाइन, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 2 का सिर्फ एक ही पावर 1, 2 का पावर 1। तो यहां से पता चल रहा है हमारे को, अरे हम 3 और 2 को डायरेक्टली माइनस अगर करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक रूल्स हैं एक्सपोनेंट के। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए, इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस के आपको दे सकता हूँ, 2-4 क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फिर हम कल क्या है, टुमारो इज कल तो थर्सडे हो गया। चलो जैसे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 4 पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2। ऊपर मैं लिखता हूं सॉल्व, सॉल्व मतलब हल करो, तो इसको हल करो। फिर मैं लिखता हूं, अब मैं नंबर भी दे रहा हूं और लेटर्स भी दूंगा, कुछ वेरिएबल्स भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ओके, फिर मैं लिखता हूं राइट 25 इन एक्सपोनेंट फॉर्म। यानी कि ये जो नंबर है 25, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने। समझ में आ रहा है। अब 25 को तो मैं कई फॉर्म्स में लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूंगा 20, अगर मैं कहता हूं 25 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे? 25 by 1, वेरी गुड। 25 को डेसिमल फॉर्म में लिखो, 0.25, आप कह रहे हो 25 इज इक्वल टू 0.25। क्या ये करेक्ट है? हाँ, कहाँ करेक्ट है, इनका तो वैल्यू ही बदल दिया आपने। एक 25 है, एक तो 1 से भी कम है। हाँ, कहाँ से बोल दिया, लेफ्ट साइड तो 25 है वैल्यू में, और ये तो 1 से भी कम है, ये तो 1/4 है, 1/4 है ये, तो इनको बराबर कैसे बना दिया? मैं सिर्फ कह रहा हूँ फॉर्म बदल दो। फॉर्म होता है शक्ल, शक्ल बदलनी है। 2.5 सेम थोड़ी ना है, एक साइड से 25 है, एक साइड आप कह रहे हो 2.5, ये वैल्यू सेम है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2 और आधा है, 2.5 है, ये बराबर कैसे है? हमने सिर्फ शक्ल बदलनी है, वैल्यू नहीं बदल सकते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। अब इसी तरह मैं कह रहा हूं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बताओ। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है? एक फाइव पावर टू क्यों? 5 पावर 2 होता है 5 इंटू 5।
और ये हो गया 25, वेरी गुड। तो ये yes, क्या बन गया मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म, लेकिन नंबर सारे 25 के बराबर है। अब मैं कहता हूं अच्छा मुझे इस एक और फॉर्म बताओ, फैक्टर फॉर्म, फैक्टर्स फॉर्म, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना है मैम, वेरी गुड। 5 × 5 तो फैक्टर्स फॉर्म है, 25 के आपने 25 को फैक्टर्स की शक्ल में लिखा। अच्छा अभी इंग्लिश पढ़ना है ना आपने, पूछो सबसे पढ़ना है मैम, पूछ रही है पढ़ना है तभी वो लिंक भेजेंगी। ओके फिर अभी की क्लास मैथ्स ही एंड करते हैं, आप लोगों को मैम लिंक भेजेगी इंग्लिश की, आप ज्वाइन करना। ओके और कल है थर्सडे, फिर देखते हैं, कल तो शाम को क्लास होती नहीं है, परसों हम एक्सपोनेंट्स को और आगे पढ़ेंगे और कुछ मैं एक्सरसाइजेस भी दूंगा। चलो ओके बाय सर, कुछ मुश्किल लग रहे हैं। किसमें? मैथ में। मैथ में क्या सर वो